देखते ही प्लांट सिरोही वासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। मामला ग्राम सभा तक पहुंचा। ग्रामीणों ने 4 प्रस्ताव पारित कर सरकार तक बात पहुंचा दी, लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। स्पेशल रिपोर्ट आप गौर से देखिए। जेके सीमेंट के खिलाफ लोगों में गुस्सा। मनमानी कर रहा है जेके सीमेंट, छीना गरीबों का सुख चैन। क्या प्रशासन ने मूंद ली है आंखें? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जेके सीमेंट प्लांट के खिलाफ लोगों का गुस्सा क्यों पनपा? ऐसा क्या हुआ कि देखते देखते सिरोही निवासियों के लिए सीमेंट का प्लांट सुविधा के बजाय दुविधा बन गया? स्थानीय लोगों का सुख चैन छीन लिया। तेजी से गिरता भूजल, अवैध दोहन से बर्बाद होती खेती और अंधाधुंध प्लास्टिंग से होने वाले प्रदूषण से लोगों का जीना मुहाल हो गया। जेके लक्ष्मी सीमेंट प्लांट के प्रबंधन की मनमानी जब बर्दाश्त के बाहर हो गई और जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं। लिहाजा पिंडवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत रामपुरा में सरपंच प्रेमा राम की अध्यक्षता में सभा हुई, जिसमें जेके लक्ष्मी सीमेंट को लेकर कई प्रस्ताव लाए गए। अवैध खनन को रोकने के लिए सीमा ज्ञान करवाने का प्रस्ताव लिया गया है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। और जितना प्रदूषण फैल रहा है, लेकिन आज दिन तक हमें कोई मुआवजा नहीं दिया है। जैसे पहले फसल में 10 बोरी गेहूं होते थे, आज उसकी जगह 2 बोरी भी गेहूं नहीं होते हैं। और एक अवैध खनन जो बोरवेल किए हुए हैं, वैध और अवैध, जिनकी आज दिन तक हमें कोई जानकारी नहीं और ना कभी सरकार को इन्होंने जानकारी दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट प्रबंधन ने इलाके के कई गांवों को गोद लिया था, मगर आज तक गोद लिए गांवों में विकास कार्य नहीं हुए। जो वादे किए थे वो सब कागजों में ही सिमट गए। अवैध खनन और ब्लास्टिंग से जीना दुश्वार हो गया। बनास बांध से जल दोहन होने से किसानों को पानी नहीं मिलता। किसानों ने कई बार जेके लक्ष्मी सीमेंट को पानी नहीं देने की मांग को लेकर ज्ञापन दिए, प्रदर्शन किए, लेकिन प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। जेके लक्ष्मी सीमेंट प्लांट को करार समाप्त होने के बाद भी मिली भगत से सप्लाई किए जा रहे बांध के पानी का मामला तूल पकड़ रहा है। इसको लेकर पिंडवाड़ा में भारतीय किसान संघ की बैठक हुई, जिसमें किसान संघ ने पश्चिमी बनास बांध और जेके फैक्ट्री में पानी देने का विरोध किया और सरकार को चेतावनी दी कि गांवों का हक छीनना बंद किया जाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। जेके सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा हमने जो 3-4 प्रस्ताव लिए हुए हैं, एक तो पहला प्रस्ताव है कि हमारे जब से फैक्ट्री बनी है, जैसे बाहर वालों को रोजगार दिया जा रहा है, जिसकी यहाँ पे भूमि मतलब भूमि गई हुई है, हमारी जो भूमि गई हुई है वो उसका किसी को भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री के ऊपर बड़े बड़े नेताओं का हाथ होने से फैक्ट्री द्वारा बांध का अवैध रूप से पानी ले जाया जा रहा है किसानों के हक का, और बांध के पहाड़ के नीचे बड़े बड़े बोर खोद करके वहाँ से पानी ले जाने से किसानों के सैकड़ों के पानी के चर्च में आ रहे हैं। पानी सूख गया है, किसानों की फसल सूख रही है। किसानों का आरोप है कि जेके सीमेंट प्लांट का करार पिछले साल अक्टूबर में समाप्त हो गया था, फिर भी जल संसाधन विभाग नियमों को ताक पर रखकर पानी दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट प्रबंधन ने कई अवैध बोरवेल कर रखे हैं, अवैध खनन भी हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि इन बड़ी इकाइयों पर कुछ बड़े लोगों का हाथ है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए राम सिंह राजावत की रिपोर्ट।